हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करने वाले हैं, है ना? आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करने वाले हैं, जो आपका एक्सरसाइज यानी लेसन 2 है ना? आपके बुक में प्रश्नावली 2.2 जो लेसन कौन सा है, 2 है, जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.2 शुरू करने वाले। तो देखिएगा, इसमें कह रहा है आपको, क्या कह रहा है जी? कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है आपको। सबसे पहले कह रहा है शून्यक निकालिए, और दूसरा कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को, संबंध की सत्यता को क्या करना है, जांच करना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालेंगे तो कौन सा विधि का यूज करेंगे, तो कौन सा विधि यूज करेंगे बताइए? तो द्विघात, द्विघात नहीं, गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। तो चलिए, क्या करना है ये समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले तुम ध्यान से देखते जाइएगा, है ना? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। अभी आपका क्या दिया हुआ है, तो बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद दिया हुआ। तो लिख देते हैं, दिया है द्विघात बहुपद बराबर, लिख दीजिए, दिया है द्विघात बहुपद बराबर। कितना दे दिया है जी, लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए, इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसको समीकरण लेके चलेंगे, द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। द्विघात समीकरण में अभी क्या है, बहुपद में, इसके में के सिर्फ बराबर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, है ना? द्विघात समीकरण हम लोग अगला लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर भी द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो लिखिए संगत समीकरण, इसका क्या लिखेंगे, संगत समीकरण, संगत समीकरण, कॉमा लगाएंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिएगा, एक पॉइंट समझिएगा, अगर समीकरण में बदलना हो तो बराबर 0 करेंगे, और समीकरण से हमको बहुपद में बदलना हो तो बराबर 0 क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर बहुपद में बदलना तो बराबर 0 नहीं लिखेंगे, अगर समीकरण में बदलना हो तो बराबर 0 लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखिए आगे क्या कहता है। तो आगे हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, है ना? गुणनखंड विधि में नियम होता है, शुरू वाला को लास्ट वाला को गुना करेंगे, शुरू वाला को और लास्ट वाला के गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर गुने कितना, माइनस 8। शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर गुने माइनस 8, तो कितना हो गया, माइनस 8 एक्स के स्क्वायर, माइनस 8 एक्स के स्क्वायर। अब इसमें जो अंक आपको नजर आ रहा है उसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अंक 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यह हो गया कितना से लगेगा जी, 2 से। कितना से लगेगा जी, 2 से। क्लियर है? अब यहाँ के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, तो हर हाल में हम लोगों को मध्य पद यानी बीच वाला पद को लाना है। तो इसको इस तरह से जोड़ या घटाओ यानी प्लस या माइनस के चिन्ह में इस तरह से इस टोटल का को सेट करिए कि आपको माइनस 2 आ जाए, माइनस 2x आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2x लाना है,
अगर हम लोग करते हैं दो दो निके चार, तो यहाँ लिखते हैं चार और दो रह दीजिए तो दो लिखिए यहाँ, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग माइनस लगा देते हैं, और इसमें क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो देखिएगा चार है माइनस में, दो है प्लस में, तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस दो आएगा कि नहीं, आया समझ में। चार है प्लस माइनस में, दो है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस घटाव के काम होवेगा। तो चार में से दो घटेगा तो कितना हो गया, दो। अब बड़का का के क्या चीज के चिन्ह है, माइनस के, तो क्या लगा देंगे, माइनस, क्लियर है। अब देखिए ये एक्स के रूप में था तो इसमें भी एक्स लगा दीजिए, एक्स में भी एक्स लगा दीजिए, एक्स में भी एक्स लगा दीजिए, आया समझ में यहां तक के, आया समझ में, नहीं आया, चलिए फिर से देखते हैं। क्या करेंगे, शुरू में शुरू वाला को लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो शुरू वाला को लास्ट वाला के गुना किए तो कितना आ गया, माइनस आठ एक्स के स्क्वायर। अब इसमें से अंक खोजिए, तो अंक हमारा कितना है आठ, अब आठ को आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, तो आठ को तोड़ेंगे तो दो से लगाएंगे तो चार बार में, फिर दो से लगाएंगे तो दो बार में, क्लियर हो गया। अब देखिए इस तरह से हमको इस टुटलका को इस तरह से सेट करना है कि बीच वाला पद लाना है ना, जोड़ या घटाव करके, यानी प्लस या माइनस करके इस तरह से सेट कीजिए कि हमको माइनस टू एक्स लाना। तो चलिए अगर हम करते हैं दो दुनी के चार, अगर चार में से दो घटा देंगे तो दो आएगा कि नहीं, अगर दो दुनी के चार करते हैं, चार में से दो घटा देते हैं तो दो आएगा कि नहीं, है ना। और दो आएगा भी तो कोची में लाना है, तो यहाँ माइनस में है तो माइनस में लाना। तो चलिए इसको कैसे सेट करिएगा, तो आगे में लिख दीजिए चार, इधर लिख दीजिए दो, लिख दिए। अब इससे हमको घटाना है ना, तो इसको बड़का के आगे लगाएंगे घटाव के चिन्ह, और छोटका के आगे लगाएंगे प्लस के चिन्ह, अब बराबर। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। अब चार में से दो घटेगा कितना हो गया, दो। अब बड़का का आगे किस चीज का चिन्ह है, ये माइनस के, तो क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखिए ये किस रूप में था, एक्स रूप में, तो यहाँ सब में एक्स लगा देंगे। अगर वाई रूप में रहेगा तो सब में क्या लगा देंगे, वाई। अगर जेड के रूप में रहेगा तो क्या लगा देंगे, जेड। तो यहाँ एक्स के रूप में है तो इसमें भी एक्स लगा दिए, इसमें भी एक्स लगा दिए, इसमें भी एक्स लगा दिए, है ना। यहाँ तक तो कर लिए, मगर देखिएगा अगर इसको गुना करते हैं, गुना करने के बाद ई नहीं आएगा तो हमारा ई सेट किया हुआ गलती है। इसको गुना करके भी देखना पड़ेगा कि इस चीज में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए तो माइनस चार एक्स गुना कितना, टू एक्स। तो देखिए चार दूनी के आठ, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दीजिए, एक्स गुने एक्स, एक्स के स्क्वायर। देखिए वही चीज आया कि नहीं, देखिए वही चीज आया कि नहीं, आया ना जी, यानी हमारा ये सेट किया हुआ है वो सही है, क्लियर है, देख लीजिए समझ लीजिए, क्लियर है ना जी। अब देखिएगा क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को रख देंगे। तो शुरू में जैसे वैसे रह दीजिए, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रह दीजिए। अब माइनस टू एक्स के जगह क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस चार एक्स, अब प्लस कितना लिखेंगे, टू एक्स, हो गया। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, चार एक्स में से दो एक्स घटेगा कितना बचेगा, दो एक्स, बड़का का एक चिक चिन्ह है माइनस, तो क्या लग गया, माइनस, क्लियर हुआ, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग इस चीज को लिखेंगे, ये जो रूप बना है ना इसी को यहाँ पे लिखना। अब बाकी में माइनस आठ तो हमारा रहिए गया, रह दीजिए, बराबर में क्या कर दीजिए, जीरो लगा दीजिए। अब देखिएगा बच्चा यहां से हम लोग कॉमन निकालेंगे, और यहां से हम लोग कॉमन निकालेंगे, है ना। यहां से ही दोनों से हम लोग को कॉमन लेना है, और इस दोनों से हम लोग को क्या करना, कॉमन लेना। तो देखिएगा जो मिलता है वही कॉमन होता है, जो मिलता है दोनों में वही कॉमन होता है। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, एक्स, इसमें भी क्या मिल रहा है, एक्स, तो एक्स के बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसमें से कई गो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कहे के मतलब हो गया कि
यहाँ एक्स कई गो है जी, दो गो है, तो एगो तो बाहर निकाल दिए, तो एगो बचा कि नहीं, तो यहाँ पे एगो बच गया। अब देखिए माइनस के चिन्ह था, माइनस लिख दिए, यहाँ से तो एगो एक्स निकल गया, तो बच गया कितना, चार। यहाँ तक कोई दिक्कत था नहीं ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए माइनस, चिन्ह भी देखना है आपको, हमको लाना है किस रूप में, माइनस के रूप में। तो देखिएगा यहाँ से कॉमा ले लीजिए प्लस चिन्ह में, अब इसमें देखिए कितना है, दो है, इसमें कितना है, तो आठ में दो है कि नहीं, देखिए आठ को हम लोग तोड़ेंगे तो दो गुने दो गुने दो, तो बताइए इसमें दो है कि नहीं, तो बच जाएगा कितना हमको, चार बच जाएगा। तो इसमें से दो कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से दो कॉमन निकाल लीजिए, तो दो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ कितना हो गया एक्स, यहाँ कितना हो गया माइनस रह गया, यहाँ कितना बच गया जी, चार। क्लियर है, बराबर कितना, जीरो। अब देखिएगा ये दोनों से कॉमन लीजिए, ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो दोनों में क्या मिल रहा है आपको, तो एक्स माइनस चार इसमें भी है, एक्स माइनस चार इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस चार कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बच गया, तो एक्स माइनस चार तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच गया हमारा कितना एक्स, इसमें भी एक्स माइनस चार तो कॉमन हो गया, तो बच गया हमारा कितना प्लस दो। क्लियर है, बराबर कितना, जीरो। अब देखिए इतना के भी बराबर जीरो है, इतना के भी बराबर जीरो है कि नहीं, तो क्या करना है, दोनों के बराबर जीरो कर दीजिए, अलग अलग कर रहे, तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो है ना, अलग कर दीजिए, इस पे भी लिख दीजिए एक्स प्लस दो बराबर जीरो। क्लियर है, अब देखिएगा, तो यहाँ है एक्स बराबर, इसको माइनस चार को उस साइड ले जाइए, तो माइनस चार बदल के जाएगा कोची में प्लस चार के रूप में, अब प्लस आगे लिखते नहीं है, छुपा हुआ रहता है। यहाँ देखिएगा एक्स बराबर, इसको ये पट लेके जाइए है ना, तो देखिएगा जी यहाँ पे कह रहा है हमारा, यहाँ प्लस में दो है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में दो हो जाएगा। क्लियर है, ये जो मान आया यही हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया, यही हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। लिखेंगे अतः, इसीलिए है ना द्विघात बहुपद, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद कितना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ का शून्यक बराबर कितना आ गया, एक चार आ गया, एक माइनस दो आ गया, ये आपका हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद फिर कहता है आपको है ना, ये वाला मिटाते हैं, इसको रफ में रखिएगा, साइड में लिख लीजिएगा है ना। अगला देखिए फिर कहता है, ये हो गया आंसर आपका हो गया, मगर फिर इसमें कह रहा है आपको कि जांच करना, तो यहां पे लिखेंगे जांच, लिखेंगे क्या, लिखेंगे जांच। तो जांच में देखिए क्या कीजिएगा, तो जांच में सबसे पहले यहां से निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांक निकाल लीजिए, एक्स के गुणांक निकाल लीजिए और अचर पद निकाल लीजिए, यानी सी निकाल लीजिए है ना। देखिएगा समझिएगा बोलो, यहाँ इसके गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, और अचर पद को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, और अचर पद को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो यहां से हम लोग निकाल लीजिए, तो ए बराबर बताइएगा एक्स के साथ है कितना गुना है जी, तो नहीं कुछ है तो एक है, बी बराबर बताइएगा तो बी बराबर एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक कितना हो गया, माइनस दो हो गया। सी बताइएगा तो सी बराबर कितना हो गया, माइनस आठ हो गया। ये जो शून्य का आया ना,
तो इसमें से एगो के मान लेंगे अल्फा, एगो के मान लेंगे क्या बीटा। तो यहाँ पे एगो है हो गया हमारा अल्फा बराबर कितना ले लिए चार, अब बीटा बराबर कितना ले लिए माइनस दो। अब देखिएगा यहां से एक फॉर्मूला होता अल्फा प्लस बीटा बराबर, जानते हैं ना जी, नहीं जानते हैं तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, चुकी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा के मान बताइएगा जी चार, प्लस बीटा के मान बताइएगा जी तो माइनस दो, लिख दिए माइनस है तो माइनस, बी के मान बताइएगा जी तो माइनस दो, ए के मान बताइएगा जी तो एक। अब चलिए तो यह हमारा हो गया चार प्लस माइनस माइनस दो बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है बटा में ए। अब चार में से दो घटेगा कितना हो गया दो, एक से भागा लगाएंगे कितना हो गया दो, तो बताइए इधर आ गया हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस, क्लियर है। एक और फॉर्मूला होता है जांच में करेंगे, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कौन जानते बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो चलिए यहाँ हो गया हमारा सी बटा ए, अल्फा के मान बताइएगा जी चार इंटू इंटू यानी गुना, यहाँ गुना ऐसे लिख दीजिए, बीटा के मान कितना हो गया माइनस दो बराबर, सी के मान बताइएगा जी तो माइनस आठ, ए के मान बताइएगा जी तो एक। अब चलिए तो चार दुनी के आठ प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस आठ को एक से भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा माइनस आठ, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, यही हमारा दिखाना था है ना। तो देखिए साबित भी कर दिए, साबित भी कर दिए है ना, यहाँ क्या निकाल लिए शून्यक भी निकाल लिए, तो शून्यक हमारा क्या हो गया चार और माइनस दो, जांच करें कह रहा था तो जांच भी कर दीजिए है ना। तो यही दोनों फार्मूला पे लगा के आपको जांच करना पड़ेगा, आया समझ में, क्लियर है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं, तहसील छोटे ना है जो ले लीजिए भाई। चलिए जी तो क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, तो कह रहा है फोर एस के स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस एक। तो क्या हमारा दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद, तो लिख देंगे दिया है हल में, दिया है द्विघात बहुपद बराबर कितना दे दिया है जी, तो फोर एस के स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब यहाँ से काम चलेगा तो बोलिएगा नहीं सर, तो क्या करना पड़ेगा, तो संगत समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो चलिए इसका संगत समीकरण लिखते हैं, तो संगत समीकरण कितना हो गया फोर एस के स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ से हम लोग बगल में करेंगे रफ साइड में, शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करेंगे, शुरू वाला को और लास्ट वाला को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो फोर एस के स्क्वायर गुना एक, तो कितना हो गया फोर एस के स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या बोले थे अंक को क्या करना है तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में, तो चार को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो दो दो।
अब देखिए इस चीज को इस रूप में लाना है, माइनस चार के रूप में लाना है, तब बताइए इसको क्या लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस दू और माइनस दू। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया दू अदू चार, और दोनों के आगे क्या चीज का चिन्ह है जी माइनस के है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस। अब देखिए किस रूप में है जी, तो एस रूप में है, तो यहाँ भी एस लगा देंगे, यहाँ भी एस लगा देंगे, यहाँ भी एस लगा देंगे। अभी दोनों के गुना कर ये चीज आता है कि नहीं, तो चलिए 2s गुना माइनस 2s, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दो दूनी के चार, s गुने s, s के स्क्वायर, देखिए सही आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो चलिए इस चीज को यहाँ बीच वाले भाग पे बैठा देना, इसको लिए हमको अब इस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं 4s के स्क्वायर क्या लिखेंगे जी, माइनस 2s, माइनस 2s, अब प्लस में कितना एक बराबर जीरो। अब इसके बाद क्या बोले थे, तो इससे कॉमन लीजिए और इससे कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में क्या आपको मिल रहा है, तो ये दोनों में आपको मिल रहा है क्या 2s मिल रहा है। तो जब 2s मिल रहा है तो यहाँ कितना बच रहा है आपको, तो 2s यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है जी माइनस के, यहाँ तो 2s बाहर हो गया तो यहाँ कितना बच गया एक। अभी दोनों में किस चीज का चिन्ह है जी, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे कितना माइनस है प्लस में, तो प्लस में दो माइनस मिल करके क्या बनता है प्लस, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे भी कै गो माइनस है, दो गो माइनस है, एक गो माइनस बाहर निकाल दीजिए। अभी दोनों में क्या कॉमन है जी, तो नहीं कुछ है, तो एरो में भी एक है, एकरो में भी एक है कि नहीं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बच गया तो 2s, यहाँ पे कितना माइनस था जी दो गो माइनस, तो एक माइनस बाहर आ गया, तो एक माइनस हुआ कि नहीं, देखिए माइनस माइनस प्लस, कितना यहाँ बच गया एक बराबर कितना हो गया जीरो। अब इस दोनों से, इस दोनों से कॉमन लीजिए, तो कितना कॉमन है तो 2s माइनस एक, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा 2s, यहाँ पे कितना बच गया हमारा माइनस एक बराबर जीरो। अब इतना बराबर भी जीरो, इतना बराबर भी जीरो, तो अलग अलग कर दीजिए, तो 2s माइनस एक बराबर जीरो, इसको लिख दीजिए 2s माइनस एक बराबर जीरो, तब बताइएगा, तो 2s रह दीजिए माइनस एक के ऊपर टी भेज दीजिए, तो कब में बदल जाएगा प्लस में एक। अब s रह दीजिए दो के भेज दीजिए, तो s रह दिया दो है ना गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में। यहाँ देखिएगा 2s बराबर कितना हो जाएगा जी एक, माइनस वाला इधर आया तो प्लस में आ गया, s बराबर एक बटा गुना में, तो कच्ची में हो जाएगा भागा में हो गया, यह हमारा क्या निकल गया शून्य निकल गया। यहाँ लिखेंगे इसीलिए, है ना, क्या लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कौन सा है जी, तो 4s के स्क्वायर माइनस 4s प्लस एक का क्या चीज, शून्यक, शून्यक बराबर कितना आ गया, तो एक बटा दो कौमा एक बटा दो, है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया किसका, तो शून्यक निकालने का। अब देखिए इसके बाद क्या करना है जी, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहां से लिखेंगे, यहां से निकालेंगे एस स्क्वायर के गुणांक को एक्स एक ए बोलते हैं, एक्स एस स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे ए, तो बताइए यहां पे ए कितना है जी, तो जांच में पहले लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच,
ए बराबर बताइएगा मान कितना हो गया, चार। बी का मान बताइएगा तो जो एस के गुणांक है तो कितना, माइनस चार। और सी का मान बताइएगा कितना है तो अचर पद एक है तो एक। यहां से बताइएगा अल्फा बराबर कितना है जी तो एक बटा दू। बीटा के मान बताइएगा तो यह हमारा बीटा हो गया, यह हमारा अल्फा हो गया। तो बीटा के मान बताइएगा कितना हो गया, एक बटा दो। हम यहाँ से फार्मूला लगाए थे, क्या हम सा फार्मूला लगाए थे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना हो गया, एक बटा दो। प्लस बीटा के मान हो गया एक बटा दो। अब चलिए माइनस बी के मान बताइएगा तो कितना है, माइनस चार। ये तो माइनस वाई इसके लिए, ये माइनस वाई मनवा जी। आइए के मान कितना है, चार। अब चलिएगा तो लघुत्तम कितना हो गया, दो के लघुत्तम जी तो दो। तो दो भागे दो तो एक, एक गुने एक तो कितना एक। प्लस दो भागे दो तो एक, एक गुने एक तो कितना एक बराबर। यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो चार बटा चार। अब चलिए तो एक एक कितना हो गया, दो बटा दो बराबर चार बटा चार। अब देखिए दो एकम दो, चार एकम चार, यानी हो गया हमारा क्या, एक बराबर एक। आया कि नहीं, तो यहां लिख सकते हैं इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। एक और फार्मूला होता है क्या, तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो अल्फा के मान बताइएगा एक बटा दो गुना बीटा के मान बताइएगा एक बटा दो बराबर सी के मान बताइएगा तो सी के मान कितना है, एक। एक के मान कितना है, चार। तो चलिए तो ऊपर के ऊपर से गुना करेंगे नीचे के नीचे से, तो एक गुना एक तो कितना एक, और दो गुने दो तो कितना चार बराबर एक बटा चार। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया, तो इसीलिए लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया, साबित भी कर दिए, है ना। तो यही दोनों फार्मूला पे हम लोग को क्या करना, मान धर के जांच कर लेना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालिए, शून्यक निकालिए। तो शून्यक हमारा कितना आ गया, एक बटा दो और एक बटा दो। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चलते हैं, तब तक स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए जी। चलिए मिटाते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। नजरे हटी दुर्घटना घटी, कहानी सुने है ना जी, कहावत। तो इसीलिए इन्हें उन्हें देखिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, इसीलिए नजरें नहीं हटाना है। क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चलते हैं। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर तीन, देखिए क्या कहता है। कहता है छो एस के स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, है ना। तो चलिए क्या करते हैं जी, ये हमारा क्या दे दिया है, द्विघात बहुपद दे दिया है। तो हल में हम लोग लिखेंगे तो छ दिया है, लिख दीजिए दिया है द्विघात बहुपद बराबर। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर के मान, तो एक्स स्क्वायर के मान कितना हो गया, छ एक्स के स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स ना होता है, इसमें देखिए जैसे तैसे सरिया दिया। तो आपको बनाने के लिए इसको सीधा सीधी सरियाना पड़ेगा। तो यहाँ है देखिए छ एक्स के स्क्वायर हो गया, उसके बाद एक्स होगा तब ना अचर पद होगा। पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर अचर पद। तो चलिए तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस सात एक्स, और फिर क्या लिखेंगे, माइनस थ्री। अब बताइए
यहाँ से बनेगा तो नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे तो इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो समीकरण में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे संगत समीकरण। तो देखिए 6x² - 7x - 3 समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं तो बराबर 0 लगाते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहां से वही काम करेंगे, शुरू वाला को लास्ट वाला को गुना करेंगे, शुरू वाला को लास्ट वाला को गुना करेंगे तो 6x² - 3 बराबर। तो देखिए 6 * 18 प्लस माइनस माइनस x² क्लियर है। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, अंक के अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो कितना से लगाएंगे, 2 से, कितना हो गया 9, फिर इसको तोड़िएगा 3 से, तो 3 * 9। अब इस तरह से इसको सेट करना है कि हमको क्या आ जाए, -7 आ जाए, क्या आ जाए माइनस, माफी चाहते हैं है ना, बार बार लाइटें परेशान कर रहा है, बोलो बकवारा लाइटें परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत ना है, फिर से समझिएगा। कह रहा है द्विघात दिया है, द्विघात बहुपद कितना दिया हुआ है, तो 6x² - 7x - 3। अब इसको बदले हम लोग किसमें, तो संगत समीकरण। तो संगत समीकरण कितना हो गया हमारा, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब क्या कहे थे, यहां से शुरू वाला पद को लास्ट वाला पद को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 6x² - 3 तो बराबर कितना होगा, 6 * 18 है ना, तो -18x² और जो अंक है उसको फैक्टर तोड़ लिए, 18 को 2 बार लगाएंगे तो 9 * 2 = 18, फिर 3 से तो 3 * 3 = 9। अब इस टूटा हुआ अंक को इस तरह से सेट करना है कि हमको इस बीच वाला पद लाना है, यानी -7x लाना। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसे, तो इसको इस तरह से सेट करिए कि 3 * 9 दे देते हैं यहाँ, यहाँ लगा देते हैं कितना 2 है ना, तो अगर 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं होगा। तब देखिएगा चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो इसको हमको लाना है माइनस में, तो बड़का के आगे माइनस लगाएंगे और छोटका के आगे प्लस लगाएंगे, बड़का के आगे माइनस लगा दिए, छोटका के आगे प्लस लगा दिए, एक्स के रूप में था तो इसमें भी एक्स लगा देंगे, इसमें भी एक्स लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा -7x। गुना करके देखिए आता है कि नहीं, तो -9x और गुना 2x, तो 9 * 2 = 18 माइनस, तो माइनस x * x, x² देखिए आया कि नहीं आया, आ गया ना, यानी हमारा क्या है सही है। तो चलिए तो लिखते हैं 6x² - 7 के जगह अब क्या लिखेंगे जी, तो -9x और +2x और -3 = 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो यहां से कॉमन लेते हैं, तो इसमें देखिएगा सोचिएगा क्या मिल रहा, तो 3 इसमें भी है कि ना, 3 * 2 = 6, 3 * 3 = 9, तो 3 मिल रहा है। यहाँ देखिए एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिए, तो इसमें कितना बच गया, 3 * 2 = 6, तो 2 बच गया, एगो एक्स कॉमन हो गया, तो एगो एक्स बचा कि ना, x² है, तो यहाँ देखिए -9 में से 3 चल गया, तो कितना बच गया 3, एक्स तो बाहरी हो गया। अब ये दोनों में देखिएगा, तो इसमें भी प्लस है, तो प्लस के चिन्ह ले लीजिए बाहर, इसमें देखिएगा क्या मिल रहा है, तो एक भी नहीं मिल रहा है, तो नहीं कुछ मिलेगा, तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तब इसमें क्या हो गया 2x - 3 = 0। अब ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों में कच्चे कच्चे क्या क्या मिल रहा है जी, तो 2x - 3 इसमें से क्या मिल रहा है 3x + 1 = 0, ये सब का मिटा दीजिए है ना। अब देखिएगा इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 है ना, तो चलिए अलग अलग कर दीजिए, तो 2x - 3 = 0, तो 2x = कितना हो गया, माइनस में इधर हो गया प्लस में 3, x बराबर कितना हो गया 3/2 का गुना में इधर हो गया भागा में,
इधर पे देखिएगा 3x+1=0, तो 3x बराबर कितना हो गया -1, प्लस में 1 है तो -1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए x बराबर कितना हो गया -1 बटा में कितना 3, तो लिखेंगे इसीलिए या अतः भी लिख सकते हैं, इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना तो 6x² - 3 - 7x का शून्यक बराबर कितना आ गया जी, तो 3/2 कितना आ गया -1/3 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच में इसको मिटा देते हैं, है ना। तब बताइएगा यहां से a के मान बताइएगा जी, तो जांच यहां लिख रहे हैं, तो a के मान बताइएगा, तो a के मान बोलिएगा 6/7, b के मान बताइएगा, तो b के मान यहां से लीजिए, वहां पे कंफ्यूज क्या जाइएगा, x के अलावा मन में होता है जी, तो b के मान कितना हो गया -7, c के मान कितना हो गया तो -3 हो गया, अल्फा के मान बताइए कितना हो गया, तो यहाँ कितना है 3/2, तो अल्फा बराबर 3/2, अब बीटा बराबर बताइएगा तो -1/3। अब चलिए क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला लगाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा के मान बताइएगा कितना हो गया 3/2, प्लस बीटा के मान बताइएगा तो -1/3। देखिए दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता, इसलिए उनका लगा देंगे ब्रैकेट में, बराबर बी के मान बताइए तो माइनस पहले से दे दीजिए, बी के मान बताइए तो -7 है, अब बटा में कितना हो गया जी ए के मान 6। क्लियर है। अब चलिएगा तो तोड़िए इसको, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6। अब लघुत्तम लीजिए तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा जी, तो 6 हो जाएगा, तो 6 तो 2 3 6 तो 3 3 9 माइनस 3 2 6 तो 2 1 2 बराबर 7/6। अब इधर देखिए कितना हो गया 9 में से 2 घटेगा तो 7/6 बराबर 7/6, तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं, तो इसलिए लिख दीजिए LHS बराबर RHS, एक हो गया। अगला देखिएगा, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, तो अल्फा के मान धरिए तो 3/2 गुना बीटा के मान धरिए -1/3 बराबर सी के मान बताइएगा जी, तो सी के मान है कितना -3, ए के मान बताइएगा कितना 6। अब चलिए प्लस माइनस माइनस, ऊपर के ऊपर से गुना नीचे के नीचे से गुना, तो 3/6 बराबर -3/6। देखिए इधर भी -3/6, इधर भी -3/6, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया कि नहीं, हम लोग जांच भी कर लिए, आया समझ में कि नहीं बताइएगा ईमानदारी से, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब कहाँ, तो 4 की ओर चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे जी, तो 4 की ओर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, तो डिलीट करते हैं, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करते रहिए, है ना, और वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना, और चैनल नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जो भी यहाँ से वीडियो भेजे तो आपके यहाँ पहले पहले जाए, अब पहले पहले जाएगा तो आराम से देख लीजिएगा, है ना।
नोटिफिकेशन पहले जाता है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं फोर की ओर। तो फोर में चलते हैं, तो कह रहा है फोर यू की स्क्वायर प्लस 8u। तो चलिएगा उत्तर बन क्या दिया हुआ है हमारा द्विघात बहुपद। तो हल में लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद बराबर कितना दे दिया है 4u के स्क्वायर प्लस 8u। अब यहां से काम चलेगा तो बोलिएगा नहीं सर, तो क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो लिखेंगे संगत समीकरण, संगत समीकरण क्या हो गया 4u के स्क्वायर प्लस में 8u बराबर 0 है ना। 4u अब 8u के स्क्वायर कितना हो गया 0। अब बताइए इसमें शुरू वाला अंतिम वाला पद गुना होगा तो नहीं होगा, शुरू वाला अंतिम वाला पद गुना होगा तो नहीं होगा, काहे काहे कि इसमें ना अचर पद है दिया हुआ। बताइए अचर पद है दिया हुआ नहीं ना, तो नहीं है तो कैसे होगा गुना। तो बोलिएगा कैसे करिएगा सर, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लीजिए ना, क्या कीजिए डायरेक्ट कॉमन लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है आपको, तो 4u इसमें है, तो 4u इसमें है कि नहीं, तो 4u कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना बच गया, खाली यू ना बच गया, अब प्लस इसमें कितना बच गया 2 बच गया, बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, तो अलग अलग कर दीजिए। तब 4u बराबर 0, तो यू बराबर क्या हो गया 0/4, यानी यू बराबर 4 से भागा लगाएंगे 0 में, कितना हो गया 0। क्लियर है। अब चलिएगा यहाँ यू प्लस 2 बराबर 0, तो यू बराबर कितना हो गया -2। क्लियर है, तो लिख दीजिए इसीलिए द्विघात बहुपद कितना, तो 4u के स्क्वायर प्लस 8u का शून्य के बराबर कितना आ गया, एगो 0 आ गया, एगो -2 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में देखिएगा जी, जांच कर रहे हैं, तो यहां से a के मान निकालिए, तो a बराबर कितना हो गया u के स्क्वायर के गुणांक, तो कितना है 4। b बराबर बताइएगा, तो यू के गुणांक कितना है 8। सी अचर पद बताइएगा, तो अचर पद है इसमें नहीं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। अल्फा के मान बताइएगा, तो अल्फा बराबर हो गया हमारा 0 यहाँ से ले लिए। अब बीटा के मान बताइएगा, तो कितना हो गया -2 हो गया। अब चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a। अल्फा के मान बताइएगा 0, अब बीटा के मान बताइएगा -2 बराबर यहाँ हो गया कितना माइनस, अब बी के मान बताइएगा कितना है 8, ए के मान बताइएगा कितना है 4। अब चलिए तो यहाँ 0 प्लस माइनस माइनस कितना 2 बराबर 4 दूनी के 8 कितना हो गया -2। अब देखिए तो 0 से -2 घटेगा जी नहीं, तो उतना ही लिखा जाएगा -2 बराबर कितना -2, तो इसीलिए LHS बराबर RHS आया समझ में। अब इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा के मान बताइए 0 गुना बीटा के मान बताइए कितना -2 बराबर सी के मान बताइए तो 0, ए के मान बताइए तो 4। अब बताइए 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब बताइए 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ कि नहीं जी। अब बताइए कहाँ दिक्कत आपको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा ईमानदारी से।
ठीक है, खेसारी लाल वाला गाना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए हम पूछ रहे हैं ठीक है या नहीं, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलते हैं, तो 5 की ओर चले, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा हम करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, तब तक अपना क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, अब चलिएगा, तो मिटाते हैं जी। अब अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए ना जी, बैठा लो क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जो देखिएगा, अरे समझते रहिए आप, अभी लिखे के फिर हम ना रहिएगा, -15 यही ना है। तो देखिए क्या कहते हैं, दिया हुआ हमारा t² - 15 तो यहाँ पे देखिए एगो मान फिर गायब कर दिया है, स्क्वायर वाला मान दिया है, अचर पद दिया है, टी के मान में दिया है, नहीं ना दिया है, फिर वो गायब कर दिया है। तो कोई बात नहीं, इसको भी वैसे ही हल करते हैं, हम सिंपल में चलते हैं, है ना। तो हाल में लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर कितना दे दिया है, तो t² - 15। अब यहां से काम चलेगा, तो बोलिएगा नहीं सर, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे संगत समीकरण, संगत समीकरण, तो t² - 15 = 0। अब क्या करिएगा, तो इस प्लस वाला को ऊपर टी भेज दीजिए, तो t² = हो गया हमारा, माइनस में 15 था जो क्या हो जाएगा, प्लस में 15। अब देखिएगा यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उस पट्टी भेजिएगा, बराबर को उस साइड भेजिएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाता है, रूट अंडर रूट हो जाता है, है ना। तो t = हो जाएगा √15। अब जैसे कोई भी संख्या पे रूट चढ़ता है यानी रूट जाता है, तो वो अपना साथ चिन्ह लेके जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह साथ है लेके जाता है, प्लस माइनस के चिन्ह क्या करता है, रूट साथ है लेके जाता है, कि हम अकेले नहीं जाएंगे, है ना, अकेले नहीं जाएंगे, हम यहाँ प्लस माइनस के चिन्ह ले चलेंगे। तो जैसे भी कोई भी संख्या पे रूट चढ़ाइएगा ना, तब प्लस माइनस के चिन्ह जरूर लगाइएगा। अब यहाँ से बताइएगा टी के मान कितना कितना आ गया, एगो आ गया √15, एगो आ गया -√15, एगो आ गया कितना 15, एगो आ गया -√15। अब बताइएगा, तो यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना, तो t² - 15 का शून्यक, कौन कौन निकला है जी, एगो निकला √15, एगो निकला -√15, क्लियर है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तो यहां से ए के मान निकालिए, तो जांच में लिखिए जांच, ए के मान बताइएगा, तो जब t² के साथ है, नहीं कुछ है, तो कितना है, 1 है। बी के मान बताइएगा, तो बी के मान है यहाँ पे, यहाँ पे है जी, बताइए बी के मान है यहाँ पे, नहीं ना है, तो बी के मान कितना हो गया, 0। सी के मान में बताइएगा, तो सी के मान में कितना है, -15। अल्फा के मान बताइएगा, तो अल्फा के मान कितना हो गया, √15। अब बीटा के मान में बताइएगा, तो बीटा के भी मान में कितना है, -√15। अब चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा के मान बताइए √15, प्लस बीटा के मान बताइएगा -√15 बराबर
माइनस, बी के मान कितना है जीरो, ए के मान कितना है एक। अब बताइएगा, पंद्रह प्लस माइनस माइनस रूट पंद्रह, कोई भी संख्या में जीरो के भागा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो हो गया। इधर भी कट के देखिए, प्लस माइनस कट के कितना हो गया जीरो, तो जीरो बराबर जीरो, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। आया समझ में, क्लियर है? अब चलिए अगला। तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो अल्फा के मान बताइएगा पंद्रह गुना बीटा के मान बताइएगा माइनस पंद्रह बराबर सी के मान बताइएगा माइनस पंद्रह बटा में एक। अब चलिए देखिए, रूट दू गुने रूट दू तो कितना हो जाता है दू, रूट तीन गुने रूट तीन तो कितना हो जाएगा तीन, तो रूट पंद्रह गुने रूट पंद्रह तक कितना हो जाएगा पंद्रह। देखिए माइनस के चिन्ह लगा है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, बराबर एक से भागा लगाएंगे माइनस पंद्रह में तो कितना आ गया माइनस पंद्रह। तो बताइए एल एच एस बराबर आर एच एस आया कि नहीं आया जी, एल एच एस बराबर आर एच एस आया कि नहीं आया जी, बताइए रूट हुआ कि नहीं, आया समझ में, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छ की ओर, क्वेश्चन नंबर छ की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए है ना, इन्हें उन्हें नजरिए नहीं घुराइए, वीडियो में लाइक कर दीजिए, है ना? तो तक हम इधर मिटा लेते हैं। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है जो देखिएगा, थ्री एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, यही ना है? तो देखिए हाल में करते हैं, तो क्या दे दिया है, दिया है, लिखेंगे दिया है, है ना, दिया है द्विघात बहुपद बराबर कितना दे दिया है जी, तो थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर, यही ना दिया हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। अब यहां से काम चलेगा तो बोलिएगा नहीं सर, तो क्या करेंगे, तो संगत समीकरण में बदलेंगे, संगत समीकरण में, संगत समीकरण में बदलना है तो कितना लिखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो वही शुरू वाला को अंत वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए लिखिए थ्री एक्स के स्क्वायर गुना कितना माइनस फोर, तो कितना हो गया प्लस माइनस माइनस चार दिया के बारह एक्स के स्क्वायर। अब देखिएगा तो बारह के हो अभाज गुणनखंड निकालिए, बारह को अभाज गुणनखंड निकालिए तो कितना दो से लगाइए कितना हो गया छ, दो से लगाइए कितना हो गया तीन। अब देखिए इसको इस तरह से बैठाइए कि माइनस एक्स आ जाए, इसको इस तरह से बैठाइए कि माइनस एक्स आ जाए, तो आपके दिमाग में क्या बात आ रहा है बताइए, आपके दिमाग में किस तरह के बात आ रहा है, क्या बैठाना चाहिए बताइए ना जी, क्या बैठाना चाहिए। तो देखिए हम लोग बैठाते हैं, दो दूनी के चार लिख दीजिए, आ तीन है तो तीन लिख दीजिए। अब देखिए यहां आना चाहिए माइनस में, क्या आना चाहिए माइनस में, तो बड़का को ले लीजिए माइनस में और छोटका को ले लीजिए प्लस में, तो देखिए माइनस प्लस माइनस काम हो जाएगा कुछ के माइनस के, तो तीन चार गो में से ये तीन गो घट जाएगा तो कितना बचेगा एगो बचेगा, है ना, यहाँ एक्स है तो यहाँ लगा दीजिए एक्स, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा एक्स,
अब एक गुने एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि नहीं, तो एक एक्स नहीं लिखिए, अच्छा नहीं लगता, तो एक्स लीजिए। अब बड़का का आगे कोचे के चिन्ह लगल है माइनस के, तो माइनस लगा दीजिए, गुना करके देखिए आता है कि नहीं, तो माइनस चार एक्स गुना थ्री एक्स, तो माइनस चार तिया के बारह एक्स के स्क्वायर, सही है कि नहीं। अब चलिए तो इसके जगह हम लोग यह सेट करेंगे, तो लिखते हैं थ्री एक्स के स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स और माइनस कितना फोर बराबर जीरो। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए, ये दोनों से कॉमन, तो दोनों में क्या मिल रहा है जी, तो एक्स मिल रहा है, अब कुछ मिल रहा है तो नहीं, तो थ्री एक्स और माइनस कितना फोर, ये दोनों में क्या मिल रहा है जी, तो कहिएगा कुछ नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं मिल रहा है यानी क्या होगा, एक होगा, चिन्ह बताइएगा, तो प्लस एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो देखो दोनों में थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर मिल रहा है कि नहीं, तो थ्री एक्स माइनस फोर कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच गया इसमें एक्स, यहाँ कितना बच गया प्लस वन बराबर कितना हो गया जीरो। अब इसको अच्छा नहीं लगता है, मिटा दीजिए, वो तो समझाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। अब चलिएगा तो इतना बराबर भी जीरो, इतना बराबर भी जीरो लिख दीजिए, तो थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, यहाँ हो गया एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब वो पट्टी भेजिए, तो थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा फोर, तो एक्स बराबर हो जाएगा फोर बट्टा थ्री, गुना में देने क्या हो गया भागा में हो गया, आया समझ में। यहाँ देखिएगा एक्स बराबर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो लिखिएगा इसीलिए द्विघात बहुपद कितना, तो थ्री एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर का शून्यक बराबर कितना लिख देते हैं, तो चार बटा तीन कॉमा माइनस एक, यही आया हमारा शून्यक, क्लियर है। अब इसको डिलीट करें, ये वाला बगल वाला को हटा देते हैं, आप अपना राफ साइड में लिखिएगा इसको। आप बताइएगा जांच कर रहे हैं जी, तो बताइए एक के बाद, बताइए एक के बाद कितना हो गया तीन, बी के मान बताइएगा तो नहीं कुछ है तो माइनस एक, सी के मान बताइएगा माइनस चार, अल्फा के मान बताइएगा तो कितना हो गया चार बट्टा तीन, तो लिख दीजिए चार बट्टा तीन। अब बीटा के मान बताइएगा तो माइनस एक। अब चलिए तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, तो अल्फा के मान बताइएगा जी चार बट्टा तीन प्लस बीटा के मान बताइएगा तो दो चिन्ह आ रहा है जी, तो ब्रैकेट में हो जाएगा तो माइनस एक बराबर माइनस बी के मान बताइएगा तो माइनस एक, दो चिन्ह रहेगा तो एगो ब्रैकेट में कर दीजिए, ए के मान कितना हो गया तीन। अब चलिए तो चार बटा तीन प्लस माइनस माइनस एक, इधर हो गया माइनस माइनस प्लस एक बटा तीन। अब यहाँ देखिए नहीं पूछे तो बटा में एक है कि नहीं, तो चलिए तीन एक लघुत्तम कितना हो गया तीन, तो तीन तो तीन तो चार माइन एक भागे तीन तो तीन, तीन गुने तीन तो कितना होगी तीन गुने एक तो कितना हो गया तीन बराबर एक बट्टा तीन। अब देखिए चार में से तीन घटा कितना हो गया एक बट्टा में तीन, इधर भी हो गया एक बट्टा तीन, यानी हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। इधर भी देखिए चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया सी बट्टा ए, अल्फा के मान बताइएगा चार बट्टा तीन गुना बीटा के मान बताइएगा माइनस एक बराबर सी के मान बताइएगा तो माइनस चार, ए के मान बताइएगा तीन। अब चलिए चार गुने माइनस एक तो कितना हो गया माइनस चार बटा में कितना थ्री बराबर माइनस चार बटा में कितना थ्री, क्लियर है। तो देखिए दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं, तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। अब बताइए आया समझ में कि नहीं, आया ना जी, क्लियर है, कितना बारीकी से बताए, दिक्कत है
दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा फटाक से, है ना। पूछे में संकोचिएगा नहीं, हम दोनों हम लोग गैर ना है, सब अपने हैं, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। आप हमारे सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए, अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो को रोकते हैं और फिर मिलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 से। इस प्रश्न वाले 2 में है, आपको 1 दिया है तो 1 में 6 क्वेश्चन था जो बता दिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें भी 6 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाइएगा, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा वीडियो सर बनाते हैं, है ना। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उम्मीद के साथ, है ना। तब तक के इस चैनल से बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जय हिंद दोस्तों, है ना। अब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।